क्रिकेट के सबसे पुराने अवतार टेस्ट में सबसे आखिर में ही सही अब एक विश्व स्तर का टूर्नामेंट होगा और हर दो साल में किसी एक टीम के सिर चैंपियन का ताज सजेगा। 1 अगस्त 2019 को एशेज के पहले टेस्ट के साथ ही पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। ये टूर्नामेंट 2 साल तक चलेगा जिसमें 12 में से टॉप 9 फुल मेंबर टीमें घर और विदेशों में जो टेस्ट खेलेंगी उनके नतीजों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। एक पॉइंट्स टेबल होगा और इस पॉइंट्स टेबल को टॉप करने वाली पहली 2 टीमों के बीच एक फाइनल टेस्ट होगा जिसका विजेता बनेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। तो चलिए इस टेस्ट चैंपियनशिप के नियमों और पॉइंट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर 1, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हर टीम घर और विदेशों में 3-3 टेस्ट सीरीज खेलेगी। नियम नंबर 2, एक टेस्ट सीरीज कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 टेस्ट मैचों की होगी। नियम नंबर 3, हर टेस्ट सीरीज कुल 120 पॉइंट्स की होगी। अब समझ लेते हैं कि ये पॉइंट सिस्टम कैसे काम करेगा। सीरीज में मैचों के आधार पर 120 में से हर मैच को बराबर पॉइंट्स में बांट दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सीरीज अगर 2 टेस्ट की है तो 1 टेस्ट 60 पॉइंट्स का होगा और अगर सीरीज 5 मैचों की हो तो 1 टेस्ट जीतने पर 24 पॉइंट्स मिलेंगे। कहने का मतलब सीरीज 2 से 5 के बीच जितने भी टेस्ट की हो दांव पर कुल 120 पॉइंट्स होंगे। टेस्ट में हार और जीत के अलावा ड्रॉ के रूप में भी एक नतीजा होता है, इसलिए उसका भी अपना महत्व होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर किसी टेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता यानी ड्रॉ होता है तो उस टेस्ट के जितने अंक होंगे उनका 1/3 अंक दोनों टीमों के हिस्से आएगा। उदाहरण के लिए अगर टेस्ट 60 पॉइंट्स का है तो ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 20-20 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर कोई टेस्ट टाई हुआ तो उस टेस्ट मैच के कुल पॉइंट्स के आधे आधे अंक दोनों टीमों में बांट दिए जाएंगे। जैसे किसी टेस्ट में जीतने पर 60 पॉइंट्स मिलने वाले हों तो टाई होने पर दोनों टीमों को 30-30 पॉइंट्स मिलेंगे। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश कुल 27 टेस्ट सीरीज खेलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 पर रहने वाली टीमों के बीच साल 2021 में होगा फाइनल टेस्ट और विजेता बनेगा टेस्ट चैंपियन। अगर फाइनल ड्रॉ या टाई होता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि सिर्फ फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। फाइनल मैच रिजर्व डे में तभी जाएगा जब 5 दिनों में न्यूनतम 30 घंटों का खेल बारिश या किसी अन्य कारण से ना हो पाया हो।